नमस्कार दोस्तों, मैं सन गुसाई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल .net Institute में। और आज के वीडियोस में हम जानेंगे कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। जी हां दोस्तों, कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन बहुत ही बेहतरीन फील्ड है दोस्तों। आफ्टर कंप्लीटिंग और 12th के बाद अगर आप अपना कैरियर मल्टीमीडिया और एनिमेशन में बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है आफ्टर 12th के बाद। जी हां दोस्तों, तो आज की वीडियोज में हम यही जानेंगे कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन आफ्टर 12th। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस आफ्टर 12th। जी हां दोस्तों, बहुत बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है आफ्टर 12th के बाद अगर आप अपना कैरियर मल्टीमीडिया और एनिमेशंस फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों जानते हैं व्हाट इज मल्टीमीडिया। दोस्तों मल्टीमीडिया एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को या अपने ग्राफिक्स को या अपने साउंडस को या अपने वीडियो को एनिमेशंस के ज़रिए इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया का यूज बहुत ज़्यादा होता है मीडिया इंडस्ट्रीज़ में या फिल्म मेकिंग में या वीडियोज़ में, जहाँ पे कि जैसे मैरिजेस की या इवेंट जो इवेंट हम कवर करते हैं उनकी वीडियोज़ या शादीज़ की वीडियोज़ या फ़ोटो एल्बम को बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने का जो काम है या बनाने का जो वर्कआउट है वो मल्टीमीडिया के ज़रिए ही पॉसिबल है। तो ये है हमारा मल्टीमीडिया जिसके ज़रिए हम अपने किसी भी पिक्चर्स या टेक्स्ट या ग्राफिक्स को एक नया सेफ दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं एनिमेशंस के बारे में। व्हाट इज एनिमेशन। दोस्तों एनिमेशंस वो चीज़ होती है जहाँ पे हम अपने स्केचेस को या अपने किसी भी ड्राइंग पे मोशन सेट करके उससे एनिमेटेड फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आजकल आप देखते ही हैं आपके घरों में जो है कार्टून नेटवर्क्स के ज़रिए बहुत सारे ऐसे कार्टून मूवीज़ हैं या कार्टून सीरियल्स हैं, जैसे कि टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, ये ऐसे सीरियल हैं जो कि हर घर में देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरियल हैं। साथ साथ में बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़ भी अब आती हैं। तो ये एक अच्छा क्रिएशन है, लोग काफ़ी इंटरटेन्ड होते हैं इनके ज़रिए और इनको देखने में लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। तो ये एक अच्छा क्रिएशन है जहाँ पे कि हम अपने किसी भी स्केचेस को या किसी भी ड्राइंग को एनिमेटेड फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए या वीडियोग्राफीज़ और वीडियो एडिटिंग के मदद से। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप अपना कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस फील्ड में बनाते हो तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों जानते हैं इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। दोस्तों आप मल्टीमीडिया एंड के एनिमेशंस का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एज ए इलस्ट्रेटर के रूप में आप काम कर सकते हो। इलस्ट्रेटर के लिए आप जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में आप लेआउट आर्टिस्ट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर लेआउट आर्टिस्ट के लिए अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है तो आप लेआउट आर्टिस्ट के लिए आगे बढ़ सकते हो। साथ साथ में डिजिटल पेंटर के रूप में भी आप आगे बढ़ सकते हो या डिजिटल पेंटर भी आप अपने कैरियर इस फील्ड में बन सकते हो। एनिमेटर, अगर आपको एनिमेशंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप अच्छे एनिमेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अपनी नॉलेज को गेन कर चुके हैं तो आप एनिमेटर के रूप में भी आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हो। कंपोजिटर, जो आपके लिए है कंपोजिटर, जो कि हर सॉफ्टवेयर के साथ साथ में हर किसी वीडियोज़ की या साउंड की अच्छी कंपोजिशन के साथ में आप एक कंपोजिटर के रूप में भी आप आगे बढ़ सकते हो। साथ साथ में एडिटर की जॉब भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, आप एक एडिटर के रूप में भी इस कैरियर में आगे बढ़ सकते हो। और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इस फील्ड में जो कि आप अलग अलग अपने फील्ड की चॉइस के मुताबिक आप उनको सेलेक्ट करके उन फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों इसके बाद जानते हैं कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस की फील्ड में जॉब अवेलेबिलिटी के बारे में। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ मल्टीमीडिया और एनिमेशन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप जॉब्स के लिए आगे बढ़ते हो तो आपको किन फील्ड्स में या किन कंपनीज़ में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया के कोर्स के बाद आप एनिमेशन स्टूडियोज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ साथ में मीडिया एजेंसीज में भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में आप लोगों की काफ़ी डिमांड्स होती है, पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस में भी एक एनिमेटर और एक मल्टीमीडिया ऑपरेटर्स की काफ़ी डिमांड्स होती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में आप लोगों को काफ़ी पसंद किया जाता है, साथ साथ में वेब इंडस्ट्रीज में या ई वेब साइट्स कंपनीज में भी, ई कॉमर्स साइट्स कंपनीज में या मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हाउसेस में भी एनिमेटर और मल्टीमीडिया वालों को काफ़ी पसंद किया जाता है। साथ साथ में कंप्यूटर एंड मोबाइल गेम डेवलपर के रूप में भी आप आगे बढ़ सकते हो। आजकल मोबाइल गेम्स या कंप्यूटर गेम्स के प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो आप इन कंपनीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। तो ये थी दोस्तों कुछ फील्ड्स या कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ कंपनीज जिन में आप आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर मल्टीमीडिया और एनिमेशंस के कोर्स के बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कैरियर इन मल्टीमीडिया और एनिमेशंस की इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कोर्स टू बिकम ए एनिमेटर एंड मल्टीमीडिया। जी हाँ दोस्तों, आप अगर एनिमेशन और मल्टीमीडिया फील्ड्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए जिनके ज़रिए आप एक मल्टीमीडिया और एनिमेटर्स बन सकते हो। दोस्तों आप अगर ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा कोर्सेज के ज़रिए आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप डिप्लोमा कोर्सेज की मदद से भी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, जिनमें कि आप डिप्लोमा इन 2D एनिमेशंस, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशंस या डिप्लोमा इन डिजिटल एनिमेशंस, डिप्लोमा इन CG एनिमेशंस, डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग या डिप्लोमा इन VFX या डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड VFX या डिप्लोमा इन एनिमेशन वीडियो एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क्स के कोर्सेज को करके भी आप इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। तो दोस्तों ये तो थे डिप्लोमा कोर्सेज जो आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज के ज़रिए इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रिफर करूँगा दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड में परफेक्ट या बहुत आगे तक जाना चाहते हो तो आप जितना ज़्यादा वक्त आप उस फील्ड में अपनी ट्रेनिंग में या अपने आप को शार्प करने में देंगे उतना ही दूर तक आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप ट्वेल्थ के बाद इसमें बैचलर डिग्री कोर्सेज के लिए जाएं, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं इस फील्ड में। जैसे कि आप जा सकते हैं BA इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया के बैचलर डिग्री के साथ, या BSc इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया बैचलर डिग्री के साथ, या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स एनिमेशंस में आप इसमें बैचलर डिग्री ले सकते हैं, या बैचलर ऑफ फिल्म आर्ट्स एंड एनिमेशन ग्राफिक्स एंड वीडियो डिजाइनिंग का कोर्स भी आप इसमें ले सकते हैं, या BA इन एनिमेशन एंड CG आर्ट्स के साथ भी आप बैचलर डिग्री पूरी कर सकते हैं, या BA इन एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में भी आप अपनी बैचलर डिग्री के साथ इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, या BA इन डिजिटल फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन के जरिए भी आप अपनी बैचलर डिग्री के साथ में इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ साथ में BSc इन एनिमेशन एंड VFX का कोर्स भी अवेलेबल है, और साथ साथ में BSc इन एनिमेशन एंड गेमिंग में भी आप बैचलर डिग्री के साथ में इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। तो ये थे दोस्तों आपके लिए बैचलर डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के जरिए आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ट्वेल्थ अगर आप अपना कैरियर मल्टीमीडिया और एनिमेशन फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप कैसे अपने कैरियर को इस फील्ड में बना सकते हैं और किन कोर्सेज की जरिए आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ये थी इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट्स की तरफ इस वीडियो के, कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस के, जो है हमारा सैलरी पैकेज। जी हाँ दोस्तों, सैलरी हर किसी स्टूडेंट्स के या हर किसी के माइंड में यही सवाल होता है कि अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाते हैं तो आगे आप इतना इस फील्ड में कितना इनकम आगे अपने लिए जनरेट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फील्ड सारी ही अच्छी होती हैं, डिपेंड्स करता है आपकी चॉइस और आपके पैशन के ऊपर कि आप उस फील्ड से रिलेटेड कितने पैशनेट और कितने आप सीरियस हो उस फील्ड में अपने कैरियर को बनाने में। आप जितना अपने किसी भी काम को जितना अपने दिल से करेंगे या जितने पैशनेट आप उस फील्ड में होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके उस फील्ड में सक्सेस होने के होते हैं और उतने ही दूरी तक आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। बट फिलहाल हम जानेंगे इसमें
कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस में सैलरी पैकेज के रूप में अगर आप एज ए फ्रेशर अपना कैरियर स्टार्ट करते हो तो अराउंड 10 to 12,000 के बीच में आपको इनिशियल सैलरी पैकेज जो है वो ऑफ़र किया जाता है, और ये सभी कुछ आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जैसे ही आपको 2 या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो फिर इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है कि आप कितना अर्निंग इस फील्ड में कर सकते हो। बहुत सारी अर्निंग के ऑप्शंस इस फील्ड में हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा इस फील्ड में बना सकते हो। ऑल आर डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, योर सीरियसनेस, योर स्ट्रेंथ, और आप कितना अच्छे तरीके से इस फील्ड में काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरियर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस के फील्ड में। आई होप दोस्तों आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको इस वीडियो से की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियोज़ में आपके साथ में फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।